आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकलिंक्स के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल पे। तो ये वीडियो बेसिकली एक कंप्लीट कोर्स होगा। जितनी भी डिटेल्स हैं बैकलिंक्स के बारे में जो आपको चाहिए होती हैं वो इसी वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि किस तरह से ऐसी नीचीज ऐसे कीवर्ड्स फाइंड किए जाएं जिनमें बहुत ही कम कंपटीशन हो, जिनमें इजीली रैंक किया जा सके, विदाउट बैकलिंक्स रैंक किया जा सके। तो चाहे आप ब्लॉगिंग करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं या ई कॉमर्स एसईओ करते हैं, आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में होगी। बट उसके ऊपर आपको एक और ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि जो लोग वेट लिस्ट ज्वाइन करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उन लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ मैं। सो मेक श्योर के अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो वेट लिस्ट लाजमी ज्वाइन करो, अगर नहीं इंटरेस्टेड तो इग्नोर दिस। तो एक तरह से ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे जाके देखेंगे कि कैसे बैकलिंक्स आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट्स के लिए। जो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली ये टॉप इंडस्ट्री लेवल बैकलिंकिंग स्ट्रेटजीज हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फुली अटेंशन के साथ सुन लेते हो तो बिलीव मी ये एक पेड कोर्स से भी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, अगर सुनते सुनते वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और अगर इसी तरह का कंटेंट आप तलाश कर रहे होते हो तो उसके लिए फिर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बैकलिंक्स। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं आपको कि इस वीडियो को सुनते सुनते अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आए तो भाई घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जितना आसान हो सकता है समझाने की कोशिश करूंगा। तो जहां पे आपको प्रॉब्लम आए आप वहां पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कुछ लोग स्लो लर्न करते हैं, कुछ फास्ट लर्न करते हैं, तो आप अपनी पेज से इस वीडियो को देखिएगा, बुकमार्क सेव कर लीजिएगा ताकि आप बाद में इसको देख सकें, बिकॉज थोड़ी सी लंबी जाएगी ये वीडियो क्योंकि चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल डिटेल्स में जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बैकलिंक है क्या? अब आपको अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो आपकी वेबसाइट को कोई दूसरी वेबसाइट जब एक वोट देती है, रेफरेंस देती है, उसको एक बैकलिंक बोला जाता है। तो बैकलिंक किस फॉर्म में मिलता है? HTML के फॉर्म में मिलता है। दैट मींस कि एक टेक्स्ट का टुकड़ा होगा, एक वर्ड हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, और उन वर्ड्स के ऊपर एक लिंक लगा होगा जो कि आपकी वेबसाइट का होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जब उस पे कोई क्लिक करेगा, उस क्लिक से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये तो हो गया बैकलिंक, और इसी से गूगल समझता है कि आपको दूसरी वेबसाइट्स रेफरेंस दे रही हैं, वोट्स दे रही हैं। जिस तरह से हमारी कम्युनिटी में वोट्स का सिस्टम वर्क करता है, जितने ज्यादा वोट्स मिलते हैं उतना ही ज्यादा उस उम्मीदवार को फायदा होता है जो वोट्स ले रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी भी वेबसाइट्स दूसरी वेबसाइट्स से वोट्स कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो वोट्स जो हैं आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। और गूगल आपको तभी रैंक करेगा जब वो आपको एक अथॉरिटी कंसीडर करेगा। तो अथॉरिटी आप कब बनते हो? जब आपको और दूसरी अथॉरिटी वेबसाइट्स बैकलिंक्स दे रही हो। बैकलिंक्स का रोल सिर्फ यही नहीं है कि आपको दूसरी वेबसाइट्स से रेफरेंस लेना है, वोट लेना है, बैकलिंक लेना है, आपको बेसिकली अपने कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए भी बैकलिंक्स चाहिए होती हैं। एक पावर स्केल कंसिडर कर लो कि 0 से 100 तक कंपटीशन लेवल है जो कि एक्चुअल में होता है, और जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली हम कंपटीशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम टॉप 5 स्पॉट्स को देखते हैं कि उस कीवर्ड के लिए जो टॉप 5 रैंकिंग स्पॉट्स हैं वहाँ पे क्या कंपटीशन है, उनकी कितनी डोमेन रेटिंग है, उनकी ट्रैफिक कितनी है। ये सब स्टैट्स देखने के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो Ahrefs की बार है। तो Ahrefs की बार तो बहुत ईजिली चीपली मिल जाती है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती आपको, और इवन इसके जो सेलर्स हैं मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको। काम को करने से आपको पता ये चलता है कि इस कीवर्ड को करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और इतने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, दैट मींस बैकलिंक्स पे स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे 5, 10, 20, 50 बैकलिंक्स अपनी साइट के बिल्ड करने हैं ताकि मैं इस कीवर्ड के ऊपर टॉप स्पॉट्स ले सकूं, और जब आपको टॉप स्पॉट्स मिलते हैं देन आपके पास ट्रैफिक आती है। तो ये बैकलिंक का एक मैकेनिज्म है जो वर्क करता है, जो खाली आप ही नहीं बहुत सारे और लोग करते हैं, क्योंकि गूगल के लिए टॉप रैंकिंग फैक्टर स्टिल बैकलिंक्स है। इवन दो गूगल ये कहता है कि बैकलिंक्स अब नंबर वन रैंकिंग फैक्टर नहीं रहा। बैकलिंक्स के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं वो किस तरह की वेबसाइट है, उसका रेलिवेंट होना बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में हो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको जिन वेबसाइट से बैकलिंक लेना है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते आपकी साइट स्पोर्ट्स से रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट कर रही है और जो बैकलिंक आप लेने जा रहे हो वो आपको हेल्थ की वेबसाइट से मिले, उसका आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेलेवेंसी गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रेलेवेंसी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी साइट और दूसरी साइट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है?
मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट एक टॉपिक पे काम कर रही है तो उसको वोट देने वाले जारी बात है उसी इंडस्ट्री के लोग होने चाहिए ना, क्योंकि वही आपको जान सकते हैं, आप और वो सेम स्पेस में है, तो वो सेंस बनाता है। इसीलिए लोग बैकलिंक्स बनाने के बाद भी लॉस फेस करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके बैकलिंक्स रेलेवेंट ही नहीं होते। रेलेवेंसी का सिग्नल इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को उस चीज़ का पता भी नहीं है। तो अब रेलेवेंसी के बारे में अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप एक वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो और उसका पेज उसी टॉपिक के ऊपर है या पार्शली रिलेटेड है या एग्जैक्ट मैच है जिस टॉपिक के ऊपर आपकी साइट है और जिस टॉपिक के लिए आपने बैकलिंक लेना है, एक पेज रेलेवेंट हो वो भी इनफ है। तो जिस साइट से लिंक लेना है या तो वो पूरी रेलेवेंट हो या उसका एक ऐसा पेज रेलेवेंट है जो आपके निच से मिलता है, अब उससे बैकलिंक आप लोगे अपनी वेबसाइट के पेज को, तो ये रेलेवेंसी का सिग्नल है जो बेसिकली गूगल देख रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। और इसी चीज के ऊपर अब आपको भी फोकस करना होता है कि भाई चाहे बैकलिंक्स खुद बनाऊं या किसी से फ्री में आ जाए, जो कि बहुत ही कम होता है, वो बैकलिंक ऐसा हो जो निच रेलेवेंट होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैकलिंक पेज के किस पार्ट से आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली एक पेज के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडर होता है, साइड बार होती है, फुटर होता है, बॉडी होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकलिंक जो सबसे ज्यादा वेट रखता है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा मिलती है, वो बैकलिंक होता है जो बॉडी से आपको मिलता है। दैट मींस वो टेक्स्ट की जो बॉडी होती है, आर्टिकल की बॉडी में से, वहां से बैकलिंक आपको लेना चाहिए। अब ज्यादातर आप लोग जो बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे होते हैं या तो कॉमेंट्स सेक्शन में से लिंक आ रहा होता है या किसी फॉरम से लिंक आ रहा होता है, वो बॉडी के बैकलिंक्स नहीं होते। बेसिकली बॉडी के बैकलिंक्स आपको तब मिलते हैं जब आप प्रॉपर मेंटेन्ड साइट से बैकलिंक लेते हो। दैट मींस आप गेस्ट पोस्ट के इस तरह की, अभी मैं आगे जाके आप लोगों को टाइप्स शेयर करता हूँ कि कौन कौन से बैकलिंक्स हैं जो आप लोग बना सकते हैं। तो ये चीज़ करने से बेसिकली आपको फायदा होता है। अब आप साइड बार से भी बैकलिंक ले सकते हैं, आप फुटर से भी बैकलिंक ले सकते हैं। इवन जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, जो अपनी चाइल्ड साइट्स होती हैं, जो वही ओन करती हैं कंपनियां, वो उनको अपने फुटर से लिंक देते हैं। उसका फायदा क्या होता है? अगर एक पेज को फुटर से लिंक मिल रहा है, साइड बार से मिल रहा है या हेडर में से मिल रहा है, अब उसका बेसिकली क्या फायदा होगा कि एक पेज जिसका हेडर है, फुटर है, साइड बार है, वो सेम चीजें बाकी जितने भी पेजेस हैं उस साइट के वहां पे भी एग्जिस्ट करेंगी। दैट मीन्स वहां से भी लिंक मिलेगा। तो इससे होता क्या है, अगर एक वेबसाइट के 10,000 पेजेस हैं और अगर फुटर से वो लिंक दे रही है तो 10,000 पेजेस से लिंक जाएगा जिस भी साइट को जा रहा है, चाहे वो आपकी साइट को आ रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी भी शेयर करता हूँ कि मुझे भी एक ऐसा सिनेरियो मिला जिसके अंदर मुझे एक वेबसाइट के हेडर में से बैकलिंक मिल रहा था, उसके 70,000 पेजेस में से मुझे बैकलिंक आ रहा था और मुझे इंस्टेंट रैंकिंग्स मिल रही थी। तो ये चीज़ बेसिकली लोग डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इसका फायदा भी होता है, बट ये ब्लैक हैट अप्रोच है और इसका आपको नुकसान भी हो सकता है अगर गूगल पकड़ ले, बिकॉज ये अच्छी प्रैक्टिसेस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है आप जिस डोमेन से बैकलिंक ले रहे हो वो एक रेफरिंग डोमेन काउंट होगी गूगल की नज़र में। अगर आप HREF के ऊपर जाते हो ना तो आपको दो बेसिकली चीज़ें नज़र आती हैं किसी भी डोमेन के स्टैट्स में, एक होती है रेफरिंग डोमेन्स, एक होती है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक और रेफरिंग डोमेन में फर्क समझ लें। रेफरिंग डोमेन बेसिकली वो डोमेन है, वो जो .com लेवल की डोमेन है ना जिससे आपको लिंक जा रहा है, वो एक डोमेन आपकी एक रेफरिंग डोमेन कहलाएगी। अब उसके एक पेज से या 50 पेजेस से आपको लिंक जाए वो बैकलिंक्स है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है एक रेफरिंग डोमेन हो, उसके एक पेज से आपको लिंक मिल जाए, तो वो जितना लिंक जूस आपको दे सकता है वो एक पेज, दैट इज ऑल यू कैन गेट फ्रॉम वन वेबसाइट। आप ये नहीं कर सकते, जाहिर बात है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप किसी से भी जाके उसकी वेबसाइट के हेडर, फुटर या साइड बार में से लिंक ले लो, जो कि इंस्टेंटली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि लोग इसको इवेंट्स टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इवेंट्स, अगर आप लोगों को इवेंट ब्लॉगिंग का पता होगा, तो उस तरह के कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए इंस्टेंट बूस्ट चाहिए होता है, जो कि इवेंट आने से कुछ दिन पहले ही रिक्वायर्ड होता है। तो उस मकसद के लिए लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं इस तरह के लिंक्स, जो 10-15 दिन पहले अपना लिंक लगवा लेते हैं जिस वेबसाइट से वो लिंक ले रहे हैं। अगर उसके 10,000 पेजेस है ना, तो 10,000 के 10,000 पेजेस से लिंक जाएगा उनकी वेबसाइट को। अब आप खुद मुझे बताओ कि जब आप 10,000 पेजेस से आपको लिंक आ रहा हो तो उसका कितना फायदा होगा? आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा मिलता है और वक्ती तौर पे ही फ़ायदा चाहिए होता है, क्योंकि इवेंट ब्लॉग क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट या टाइम के लिए वो इवेंट आता है, लोग उसको सर्च करते हैं, उस दिन ही आपको ट्रैफिक चाहिए या वो पर्टिकुलरली 5-7 दिन के पीरियड के लिए,
उसके बाद ना आपको ट्रैफिक चाहिए और ना ही आपको कंसर्न है उसके बाद आप चाहे वो रिमूव कर दो उसके लिए, क्योंकि देखें आपने उन्हीं दिनों को कैश करना था, आपने कर लिया। सो ये स्ट्रैटेजी है जो लोग यूज़ करते हैं, बट अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए लगा के रखोगे ऑब्वियसली आपकी साइट पेनालाइज हो जाएगी, तो इस चीज़ से आपको अवॉइड करना पड़ता है। एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो लोग करते हैं अभी भी कर रहे हैं, बट इट्स अ कॉस्टली थिंग, क्योंकि किसी साइट के एक पेज से लिंक लेना और उसके 10,000 पेजेस से लिंक लेना, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सो अगर तो आपको पता हो कि आप एक ऐसा इवेंट टारगेट करने जा रहे हो जिसमें आप अच्छी खासी आउटपुट निकाल सकते हो, तो फिर डेफिनेटली आपको उसमें कुछ इनपुट भी करना पड़ेगा। खैर, बैक टू द टॉपिक, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको जो कॉन्टेंट में से बैकलिंक मिलता है उसका ज़्यादा फायदा होता है अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में से लेते हो, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, जिसको अक्सर आप लोग ब्लॉग कमेंट्स भी बोलते हैं। तो ब्लॉग कमेंट्स का तो वैसे अब ट्रेंड बहुत ख़त्म हो चुका है, और इवन अब जो लोग बना भी रहे हैं वो सिर्फ टूल्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इनसे अब आपको फ़ायदा नहीं होता। और एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नगेट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ब्लॉग कमेंट्स आपको किसी भी बड़ी वेबसाइट के ऊपर बने हुए नहीं मिलेंगे। अब आप अगर उनसे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो कि भाई वो ऐसी साइट्स हैं जो सालों से ग्रो कर रही हैं, आप लोगों की जो साइट्स हैं वो फॉरेन हिट हो जाती हैं, तो कहाँ पे डिफरेंस है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो वो लोग करते हैं वो आप लोग नहीं करते, तो वो यही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब आप लोग ऐसी कम्युनिटी के अंदर हो जिसमें 10-10 साल पुरानी चीज़ें लोग करवा रहे हैं, क्योंकि सही बताने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से आप लोग ऐसी चीज़ें अभी भी करते हो जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं, इवन उनके लिए स्पेशल अपडेट्स आ चुकी हैं बट आपको पता ही नहीं है। तो मेरा जो चैनल है मैं बेसिकली यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसेंट जो अपडेट्स आए हैं रिलीज़ हों उसके बाद से कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो SEO के अंदर होते हैं, तो वो अगर आपको समझने हैं, अगर वो आपको सीखने हैं, उनके बारे में अपडेट मिलनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग दे ही नहीं सकते बिकॉज वो टेस्टिंग नहीं करते, वो रिसर्च नहीं करते। मेरा सारा दिन रिसर्च में गुजरता है, तो मैं रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के साथ ये स्टैट्स शेयर करता हूँ इसी चैनल के ऊपर, ताकि आप लोग सीख सको कि फर्दर SEO के अंदर क्या हो रहा है, कैसे काम करना है।